अब आपने कटहल तो बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन क्या होता है कि आप जब भी कटहल बनाते हो तो कटहल के अंदर तक फ्लेवर नहीं आ पाता। तो एक बारी आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखो, उसके पूरे अंदर तक फ्लेवर आएगा। और तो और कटहल बहुत सॉफ्ट बनेगी और ग्रेवी भी ऐसी बनेगी कि आप उसको याद रखोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि कुकर में आपने पानी डालना है और इस पानी को आपने फ्लेवरफुल बनाना है। वो कैसे? सिर्फ नमक हल्दी आप डालना, साथ में अदरक डालना फ्रेश कटी हुई और काली मिर्च। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हो। और बस इस फ्लेवरफुल वाले पानी में आपने डालनी है कटहल। और इसको कितना पकाना है? इसको हाई फ्लेम पर बस एक सीटी आने तक पकाना है। एक सीटी बिल्कुल काफ़ी होगी। जैसे ही प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, ये देखो सारा प्रेशर निकल चुका है, बस आप ढक्कन खोलना और कटहल 60-70% तक पक चुकी है। पूरी नहीं पकी है, सिर्फ 60-70% पकी है हाँ, लेकिन इसके अंदर तक फ्लेवर चला गया है। पानी में बॉईल करने से नमक के साथ कटहल के अंदर तक फ्लेवर बहुत अच्छे से जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लैंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप ट्राई करके देखना। और गलती से भी आप ये पानी फेंक मत देना, इस पानी से ही हम ग्रेवी भी बना लेंगे अपने कटहल की। बहुत फ्लेवरफुल पानी है। तो कटहल को मैंने अपनी छन्नी में डाल दिया है, पानी को एक बोल में निकाल दिया है। ग्रेवी की बात हम कर रहे थे तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को एकदम रफली स्लाइसेस में काटा है। थोड़ा मोटा ही काटना, फाइन स्लाइसेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेहनत थोड़ी करने आए हम यहाँ पर कटहल बनाने की, मेहनत तो सारा कुकर करेगा, हम तो सिर्फ हाथ में सामान दे देंगे। प्याज के अलावा मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली है और हरी मिर्चों को आप 1-2 कट मार देना। बस 3-4 हरी मिर्चें ली है, थोड़ा स्पाइसी बनाना है मैंने। साथ में मैंने लिया धनिया की डंठल, 1 इंच तक अदरक है उसको घिस लिया है और लहसुन, इनको ऐसे ही डालेंगे, काटेंगे नहीं। मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल भी दोस्तों, काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर टमाटर को भी एकदम रफली चॉप कर देना, 2 टमाटर काफी होंगे। तो ग्रेवी में प्याज थोड़े ज्यादा है, खट्टापन थोड़ा कम है, ये मैंने कॉम्बिनेशन बिठाया है। अब फटाफट से यहाँ पर कुकिंग की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पर फिर से कुकर लिया है और कुकर को मैंने यहाँ पर पहले हाई फ्लेम पर रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सरसों के तेल में बना रहा हूँ। लगभग 1/2 कप सरसों का तेल लिया है मैंने, और जब तक अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, उससे धुआं नहीं निकलता, तब तक आप पकाना। धुआं निकल जाए आप फटाफट से गैस को बंद कर देना और इस गर्म गर्म तेल में ही आप यहाँ पर कटहल को फ्राई कर लेना। अब बोलो भरत भाई, पहले कटहल को बॉइल किया, अब फ्राई कर रहे हो, फ्राई करने से क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, फ्राई करने से ना इसका टेक्सचर बदल जाएगा। पहले हमने कटहल के अंदर तक फ्लेवर डाला और अब फ्राई करने से इसकी जो टेक्सचर्स है ना, जो फाइबर्स होते हैं कटहल के, वो बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं और एकदम सॉफ्ट नरम कटहल बनेगी और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। इसलिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको मेरी तरह कम तेल में ही फ्राई करना और कोशिश करना सरसों के तेल में करो, ताकि उसके अंदर तक फ्लेवर आए। आपने अच्छे से भुनना है, ये देखो, फिर जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक आपने पकाना है। अभी कलर आना शुरू हो गया है ना, एक साइड हुआ है, अभी थोड़ी देर और पकाता हूँ। और फिर अब धीरे धीरे देखो, इससे काफ़ी मॉइस्चर रिलीज हो चुका है और सच में इस कटहल का टेक्सचर जो आएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया आएगा और इस पे कलर भी बहुत बढ़िया आया है। आप इसको फटाफट से ड्रेन आउट करके निकालना। आप ये देखो कटहल का टेक्सचर अब कैसा है। जब बाद में इसको ग्रेवी के साथ थोड़ा पकाएंगे ना, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा उस ग्रेवी का। और अब ग्रेवी बनाते हैं। अब मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि भरत भाई ये ग्रेवी बनेगी कैसे, ना प्याज ढंग से काटे, ना टमाटर काटे, ना हरी मिर्चें, ना लहसुन तो काटा ही नहीं, तो ग्रेवी कैसे बनेगी? तो चलो अब यही दिखाता हूँ आपको। तो फटाफट से पहले आपने थोड़े खड़े मसाले डालने हैं और खड़े मसालों के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिख दिए हैं, तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। खैर, इसमें तेजपत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग भी है और दालचीनी भी है। ये तो बेसिक चीज है। आप इसमें फटाफट से वो पूरी पूरी लहसुन डाल देना और ये सच में पूरी गल जाएगी, सीरियसली बोल रहा हूँ। लहसुन आप ऐसे ही डाल देना, हल्का सा रोस्ट करना, फ्लेवर निकल कर आएगा। फिर प्याज डाल देना। प्याज को ना यहाँ पर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना, अगर ज्यादा ब्राउन कर दिया या ओवर कुक कर दिया तो प्याज गलेंगे ही नहीं, तो इसलिए प्याज को ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। आराम आराम से आप पकाना। देखो जैसे थोड़ी देर में इनका कलर चेंज हो जाएगा, प्याज थोड़े ढीले हो जाएंगे, हल्के से सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, बस फिर आप यहाँ पर अदरक डालना, धनिया की डंठल डालना, थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालना और जो कटी हुई हरी मिर्च है वो जरूर डाल देना। साथ में मसाले भी डालते हैं, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर।
इन सब चीजों को आप अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर पकाना, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अदरक का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और अब प्याज की कुकिंग को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अगर और ज्यादा प्याज को पका दिया, जैसे मैंने आपको बोला था गलेंगे नहीं, उसकी कुकिंग को स्टॉप करने के लिए अब आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, टमाटर के साथ नमक, धनिया पाउडर, और ये है मीट मसाला। अब मीट मसाला वेज रेसिपी में दोस्तों मीट मसाले में मीट नहीं होता, नॉन वेज नहीं होता, वो सिर्फ एक मसालों का कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को आप कहीं पे भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि नॉन वेज में ही डालना है या वेज में ही डालना है, ये रेसिपी प्योर वेज है, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। बस आपने थोड़ी देर तक पकाना है, ऐसा नहीं है कि टमाटर को बहुत ज्यादा गलाना है या बहुत अच्छे से पकाना है, नहीं नहीं, आप थोड़ी देर तक पकाना, मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक, जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाए, जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होने लग जाएंगे आप वो पानी डाल देना, वो जिसमें हमने कटहल को उबाला था वो वाला पानी आप थोड़ा सा डाल देना। प्रेशर कुकर का आप ढक्कन लगा देना और हाई फ्लेम पर लगभग 2 से 3 सीटी आपने देनी है, और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना, और फिर आप देखना जादू। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिखाता हूँ क्या है जादू। आप बस ऐसी करछी लेना और उससे प्याज टमाटर को हल्का सा जब आप चलाओगे ना, तो अपने आप ही ये सब गल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसका सारा पानी रिड्यूस करना है। अगर आपको ये खड़े मसाले पसंद नहीं है, जैसे कि बड़ी इलायची और दालचीनी, तो आप उसको इस टाइम पर बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि पीसते हुए ना ये चलाते हुए वो आपके हाथ में अटकेगी। ये देखो मैंने कितनी रिड्यूस कर ली है, तेल भी बिल्कुल अलग हो गया है, और अब आप कह सकते हो कि ये वही ग्रेवी है जो मैंने आपको दिखाई थी, वही प्याज है, वही लहसुन है, लेकिन सब गल चुके हैं। बस आप देख ही सकते हो बिफोर आफ्टर में। साथ साथ आप यहाँ पर गरम मसाला डाल देना, मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाली है, इसको अच्छे से मिलाया है, और बस अब अपने यहाँ पर कटहल को डालना है, अच्छे से आप इसको मिलाना। आप यहाँ पर अब नॉर्मल पानी डालना, वो वाला पानी मत डालना, नहीं तो ज्यादा हल्दी हो जाएगी, ज्यादा फ्लेवर हो जाएगा। तो अब नॉर्मल पानी डालना, और अब आपने सीटी देनी है, 1 सीटी। सीटी क्यों देनी है, प्रेशर कुकर में इसलिए पकाना है ताकि फिर से कटहल के अंदर ये सारा फ्लेवर जाए ग्रेवी का। बस 1 सीटी के बाद ये देखो आप, है ना दोस्तों, कितनी सही लग रही है ना कटहल, इसके अंदर तक फ्लेवर है दोस्तों। आप ऐसे कटहल बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।